Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. Welcome to your UrK Academy. अगर कोई नया आया इस चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए। दोस्तों, हमें अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में सिंप्लीकेशन आ जाते हैं, लेकिन उन सिंप्लीकेशन को हमें सॉल्व करने में कम से कम 60-70 सेकंड लग जाते हैं। 3-4 क्वेश्चनों का टाइम हमें उस एक क्वेश्चन में लग जाते हैं और 100% एक्यूरेसी भी नहीं आ जाता है। हम वहाँ पे डिजिटल सम कर सकते हैं। विद इन 5 सेकंड्स में हम 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर निकाल सकते हैं। डिजिटल सम है क्या, आज हम पढ़ेंगे डिजिटल सम कॉन्सेप्ट है क्या। द डिजिट सम ऑफ ए गिवन इंटीजर इज़ द सम ऑफ ऑल इट इज डिजिट्स। मीन्स एग्जांपल हम लेंगे, हम सीखेंगे एग्जांपल 84001 क्या है। वहाँ डिजिटल सम हम निकालेंगे 8 + 4 + 0 + 0 + 1 इज इक्वल टू 13। 13 का डिजिटल सम क्या है, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। मतलब इसका आंसर हमें 4 निकला, डिजिटल सम 4 निकला। हम पार्ट फर्स्ट देखेंगे, पार्ट फर्स्ट क्या है। ऐसे क्वेश्चन हमें बैंक में मिल सकते हैं, RRB SSC ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीकेशन। तो हम वहाँ पे डिजिटल सम लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें लिमिटेड टाइम होता है। डिजिटल सम से हम लिमिटेड टाइम में आंसर निकाल सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी। 1 000 19 + 22 1946 + 99 6 41 इज इक्वल टू, हमें निकालना है इसका एडिशन। ये तो बेसिक है, एक सीखने के लिए सिंपल ये आप कर सकते हो वैसे भी, लेकिन हम यहाँ सीखेंगे कैसे करते हैं। 9 को हमें इग्नोर करना है, डिसिमल को इग्नोर करना है। यहाँ पे 9 है, 9 को सम नहीं करना है क्योंकि 9 को इग्नोर करना है। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे 9 को इग्नोर करना है। 6 × 4 कितने हो गया, 10। 10 + 1 कितने हो गए, 11। 2 कितने हो गए, 13। 2 = 15 1 + 5 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 आया। यहाँ पे 9 को इग्नोर करना है, 9 को इग्नोर, 6 × 6 = 12। 12 × 4 कितने हो गए, 16। 1 हो गए 17। 1 + 7 इज इक्वल टू 8 कितने हो गए, 2 × 6 कितने हो गए, 8। 8 + 8 कितने हो गए, 16। 1 + 6 इज इक्वल टू 7। मतलब यहाँ पार्ट फर्स्ट में हमें 7 डिजिटल सम मिला। अब हमें ऑप्शनों में देखना है 7 कहाँ मिलेगा हमें डिजिटल सम। पार्ट फर्स्ट में हमें 9 को इग्नोर करना है, 9 को इग्नोर करना है। 6 × 4 कितने हो गया, 10 + 1 = 11। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 मिला। मतलब पार्ट फर्स्ट नहीं हो सकता आंसर। पार्ट सेकंड में देखेंगे, 9 को इग्नोर करना, 8 + 1 हो गए 9, इसको भी इग्नोर करना है। 6 × 6 हो गए 12। 1 + 2 इज इक्वल टू 3, सेकंड पार्ट भी नहीं हो सका। थर्ड पार्ट देखेंगे, यहाँ पे 8 + 1 इज इक्वल टू 9 इग्नोर करना है। 6 + 6 + 3 इज इक्वल टू 9, इसको भी इग्नोर करना है। यहाँ पे 6 + 1 इज इक्वल टू 7, मतलब 7 हो सकता है। पहले आइए देखेंगे 7 आंसर हो सकता है सी पार्ट। डी पार्ट देखेंगे, 9 को इग्नोर करना, 9 को इग्नोर करना, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 6 भी नहीं है। मतलब पार्ट सी इसका आंसर है। नन ऑफ दीज से नहीं डरना हमें, जहाँ हम एग्जाम में देखते हैं नन ऑफ दीज हम डर जाते हैं, नन ऑफ दीज तो नहीं है, लेकिन नन ऑफ दीज से नहीं डरना, पार्ट सी इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट हमें टफ लग रहा है, लेकिन टफ है ही नहीं। हम डिजिटल सम से ये विद इन सेकंड में आंसर इसका निकाल सकते हैं। हम देखेंगे डिजिटल सम, अब देखेंगे 4 × 3 कितने हो गए, 7, ठीक है। 4 × 3 हो गए 7, 7 × 4 कितने हो गए, 11, 11 × 3 कितने हो गए, 14, 14 × 4 कितने हो गए, 18, 1 + 8 इज इक्वल टू 9, मतलब 9 को इग्नोर करना, यहाँ पे 9 बना, 9 को इग्नोर करना। ऐसे 4 × 3 कितने हो गए, 7, 7 × 3 हो गए 10, 10 × 4 कितने हो गए, 14, 1 + 4 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 बना। ऐसे 4 × 4 कितने हो गए, 8, 8 × 3 कितने हो गए, 11, 11 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2, 4 का 4 ही रहेगा। 3 × 3 कितने हो गए, 6, टोटल कितना है, 5 × 2 कितने हो गए, 7, 7 × 4 कितने हो गए, 11, 11 × 6 कितने हो गए, 17, 1 + 7 इज इक्वल टू 8, मतलब इसका डिजिटल समय में 8 मिला। अब हमें ऑप्शन में देखना है डिजिटल सम हमें कहाँ पे 8 मिलेगा, वो इसका आंसर है। 4 × 5 कितने हो गए, 9 भी इसका आंसर, सॉरी 9 को इग्नोर करना है और या इस 9 को भी इग्नोर करना है, 9 को इग्नोर करना, यहाँ पे 4 मिला। ऑप्शन फर्स्ट में हमें ऑप्शन ए में 4 मिला, 4 इसका आंसर नहीं है। बी पार्ट, 5 × 4 कितने हो गए, 9, ये इग्नोर करना है। 5 × 4 कितने हो गए, 9, ये इग्नोर करना, यहाँ पे 8 मिला। मतलब 8 आंसर हो सकता है, लेकिन पहले आगे देखेंगे। यहाँ पे 9 इग्नोर करना है, 9 इग्नोर का
एट प्लस वन इज इक्वल टू नाइन, ये भी इग्नोर करना है। आठ प्लस फोर इज इक्वल टू एट प्लस फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व, वन ट्वेल्व, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, थ्री भी नहीं है। तो डी पार्ट क्या है, फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन, ये भी नहीं है, नाइन को इग्नोर करना है। चार, सेवन प्लस फोर इज इक्वल टू अलेवन, अलेवन प्लस फोर इज इक्वल टू फिफ्टीन, वन प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स, माइनस ए पार्ट भी नहीं है, बी पार्ट इसका आंसर है एट, एट आंसर मिला बी पार्ट, बी पार्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, फोर्टी फोर स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू स्क्वायर डिवाइड बाई, हम क्या करेंगे, हमें आंसर फाइव मिला, इज इक्वल टू फाइव। हमें पता है फोर प्लस फोर इज इक्वल टू क्या है, फोर प्लस फोर इज इक्वल टू एट, एट का स्क्वायर क्या है, एट इंटू एट, एट का स्क्वायर क्या है, सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर हमें, सिक्सटी फोर का यूनिट डिजिट क्या है, डिजिटल सम क्या है, सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टेन, टेन का क्या है, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, वन मिला हमें यहाँ पे। इसी तरह हम ट्वेंटी टू का भी देखेंगे, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, फोर इसका ट्वेंटी टू का स्क्वायर है, फोर इंटू फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन, सिक्सटीन का डिजिटल सम क्या है, वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू सेवन, वहाँ पे हमें सेवन मिला, सेवन प्लस वन इज इक्वल टू एट, एट को हम डिवाइड क्या करेंगे, क्योंकि हम डिवाइड एक्स रखेंगे, इज इक्वल टू सेवन, तो एट डिवाइड बाई सेवन इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे वन पॉइंट सिक्स हमें, वन पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू एक्स, वन पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, वन पॉइंट सिक्स, वन पॉइंट सिक्स का डिजिटल सम क्या है, सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन, मीनस हमें सेवन देखना है आंसर में, सेवन कहाँ पे हमें डिजिटल सम मिलेगा, वो इसका आंसर होगा। यहाँ पे सात, सात आठ कितने हो गए, यहाँ पे पहले पार्ट जो है इसका पहला पार्ट, सेवन प्लस एट इज इक्वल टू फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस फोर इज इक्वल टू नाइनटीन, नाइन को हम इग्नोर करेंगे, वन यहाँ पे आंसर मिला, मीनस वन इसका आंसर नहीं है, हमें सेवन देखना है। इसी तरह पार्ट सेकंड क्या है, फोर, फोर प्लस एट इज इक्वल टू ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन, सिक्सटीन क्या है, वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू सेवन, पार्ट सेकंड में हमें सेवन में सेवन हो सकता है, सेवन में भी सेवन इसका आंसर होगा। लेकिन थर्ड पार्ट देखेंगे पहले, फोर, फोर प्लस सेवन इज इक्वल टू अलेवन, अलेवन प्लस एट इज इक्वल टू नाइनटीन, यहाँ पे भी नाइनटीन मिला हमें, यहाँ पे नाइन को इग्नोर करना है, वन, वन तो आंसर इसका नहीं हो सकता। इसी तरह नाइन, फोर्थ पर नाइन को इग्नोर करना है, फाइव प्लस एट इज इक्वल टू, नाइन को इग्नोर करना है, फाइव प्लस एट इज इक्वल टू, सॉरी फाइव प्लस एट इज इक्वल टू थर्टीन, हाँ फाइव प्लस एट इज इक्वल टू थर्टीन, थर्टीन प्लस फाइव इज इक्वल टू एटीन, एटीन, एट प्लस वन इज इक्वल टू नाइन, नाइन को भी इग्नोर करना है, फिर नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या है, सेकंड पार्ट सेवन, राइट। इसी तरह से हम लास्ट पार्ट इसका देखेंगे, थ्री थ्री एट इंटू नाइन सेवन, माइनस वन एट थर्टी फाइव, राइट, वन एट थर्टी फाइव, हम क्या देखेंगे, यू एन डी और इसके ऑप्शन हम देखेंगे, आठ तीन कितने हो गए, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह तीन कितने हो गए, चौदह, चौदह का यूनिट डिजिट क्या है, वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव, फाइव है, नाइन को इग्नोर, यहाँ पे सेवन मिला, ठीक है, आठ और वन कितने, आठ, एट प्लस वन इज इक्वल टू नाइन, नाइन को इग्नोर करना है, फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट, एट, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या मिला हमें, फाइव सेवन एट, यहाँ पे फाइव इंटू सेवन, क्योंकि थ्री, थ्री हंड्रेड थर्टी एट इंटू नाइन्टी सेवन ये मल्टीप्लाई में है, इसी तरह इसका यूनिट डिजिट को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव इंटू थ्री, फाइव, सॉरी फाइव इंटू सेवन इज इक्वल टू थर्टी फाइव, थर्टी फाइव को हमें माइनस करना है एट, माइनस करेंगे हम एट, मिला हमें ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन का डिजिटल सम क्या है, सेवन प्लस टू इज इक्वल टू नाइन, नाइन को इग्नोर करना है, मीनस हमें यहाँ पे डिजिटल सम जीरो मिला। अब हमें आंसर में ऑप्शनों में देखना है, जीरो कहाँ पे हमें मिला, मिलेगा वो इसका राइट आंसर होगा, वो इसका राइट आंसर होगा। वन प्लस एट, वन प्लस एट इज इग्नोर करना है, नाइन, ये वन प्लस एट इज इक्वल टू नाइन इग्नोर करना है, ये नाइन इग्नोर करना है, सेवन प्लस वन इज इक्वल टू एट, एट इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें जीरो देखना है। इसी तरह सेकंड पार्ट, फाइव प्लस नाइन को भी इग्नोर करना है, इस नाइन को भी इग्नोर करना है, इस नाइन को भी इग्नोर करना है, बचा थ्री, फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट, ये एट भी नहीं होगा। थर्ड पार्ट, नाइन को इग्नोर यहाँ पे करना है, फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू नाइन,
यहाँ पे भी यहाँ पे 9 को इग्नोर करना है, यहाँ पे हमें 0 मिला। इसका आंसर पार्ट 3 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।